सूर्य नमस्कार कार्यक्रम हुआ संपन्न। पीएम सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में ब्लॉक स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 1122 छात्र एवं 445 छात्राओं तथा लगभग 138 पेरेंट्स एवं जनप्रतिनिधियों ने सूर्य नमस्कार किया, जिसमें संपूर्ण 12 स्थितियों को 13 बार मंत्रों के साथ प्रदर्शित किया गया। एक ही संस्थान में दो अलग अलग जगह पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग ग्राउंड तैयार किए गए। कार्यक्रम में तहसीलदार सत्यनारायण नरवरिया, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, साथ ही दुर्गा शंकर ठेकेदार राजू बसवाल, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर शर्मा उपस्थित रहे। नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने बताया कि प्रकृति में ऊर्जा का एकमात्र अक्षय स्रोत सूर्य है। हम सोलर ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा संकट से निपट सकते हैं। दुर्गा शंकर ठेकेदार द्वारा छात्रों में नियमितता के साथ सूर्य नमस्कार कर मानसिक शक्ति उन्नत कर देश हित में कार्य करने हेतु प्रेरित किया। राजू बसवाल ने सूर्य आराधना कर आत्मविश्वास संबल करने पर बल दिया गया। दामोदर शर्मा द्वारा वैदिक ऋषियों के माध्यम से सूर्य नमस्कार का आध्यात्मिक महत्व बताया गया। सूर्य नमस्कार के मुख्य प्रशिक्षक दौलत शर्मा एवं मंत्र रमेश वर्मा रहे। आभार प्रदर्शन प्रधानाचार्य सुरेश मालवीय द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला कोऑर्डिनेटर प्रहलाद नगर द्वारा संबोधित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र खंडेलवाल द्वारा किया गया। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तावर की रिपोर्ट। लोग स्तर पर स्कूलों में आज सूर्य नमस्कार के दौरान की गई है। कितने स्कूल हैं अपने इसमें जहाँ जहाँ एक साथ ही आज बच्चों को सूर्य नमस्कार के बारे में जानकारी दी गई है, सूर्य नमस्कार करवाया गया। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय मदन जी दिलावर साहब के आदेश की पालना में जी सूर्य सप्तमी के अवसर पर आज 15 फरवरी 2024 को राजस्थान सरकार के समस्त जिलों के समस्त ब्लॉक के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में एक साथ प्रार्थना सभा में प्रातः 10 से 11 बजे के बीच में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है जी। अपने ब्लॉक में भी 189 स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल जो प्राइवेट प्राइमरी अपर प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उन सब में एक साथ आयोजन ये किया गया जी। लगातार जिस तरह से आज से शुरुआत है, तो क्या ये सप्ताह में रहेगा कि रोजाना डेली है? ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। पिछले 15 दिवस से राज्य सरकार के आदेश की पालना में प्रत्येक विद्यालय में अपने कोटा संभाग के प्रत्येक विद्यालय में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जा रहा है जी। साथ ही ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आज तो आयोजन किया गया है जी। मेरा सभी समस्त संस्था प्रधानों से आग्रह रहेगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक शारीरिक व्यायाम भी है जो विद्यार्थियों का शारीरिक कौशल के साथ साथ बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाता है, इसलिए सभी लोग इसको प्रतिदिन प्रार्थना सभा में नियमित कराए, ऐसा मेरे से विशेष आग्रह रहेगा, करवाना चाहिए और करते रहेंगे। थैंक यू।